आज मेरे लिए परम सौभाग्य का विषय है कि हमारे बचपन के हमारे शिक्षक सम्मानित श्री रमेश तिवारी जी, हमारी माता जी यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनने मुझे अपने पुत्र जैसा स्नेह दिया। और मैं चाहूँगा कि आप मेरे उस बचपन के समय से और आज तक के बीच का जो भी एक लोगों को अनुभव देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। पास में आ जाओ, ऐसी बात कर। धन्यवाद। ये सब चीज़ें मेरे लिए एक मतलब एक विस्मय या हर्ष या आश्चर्य, कौन से शब्द बोलूं। पहले तो ऐसे लगा कि मैं, क्योंकि जिनसे मैं मिल रहा हूँ वो कल्पनातीत है। कल्पनातीत इसलिए है कि मैं जिस विद्यार्थी को अपना मैंने शिष्य या शिक्षा दिया बचपन में, मैं उस समय मैंने यहाँ जब मेरी पोस्टिंग हुई तो विलायत कल में मैंने 10-12 वर्ष अपना बिताया। यहाँ पर तमाम बच्चे मेरे विद्यार्थी हैं और मेरी शुरुआत मेरे सेवा काल की यहीं से है। फिर कुछ समय पश्चात ये जो आज आपके सामने खड़े हैं, ये बच्चे के रूप में बड़े सुकुमार और बड़े अच्छे बड़े शिष्ट लड़के के रूप में यहाँ आए। जब मेरे सानिध्य में मैंने इनको शिक्षा दिया, इनके पिताजी सदाचारी और उन्होंने कहा कि ये आप यहाँ पढ़ेंगे, आपकी सेवा में रहेंगे और आप इनसे सेवा भी करवाइए और ज्ञान भी दीजिए। तो मैंने इनको, ठीक है कुछ काम भी मेरे ये कर ले आइए, ये कर ले आओ भैया, कौन लड़का करेगा। तो मुझे ये ज़्यादा प्रिय लगते थे उस समय, मुझे